नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर जागते हैं तो बेड पे लेटे लेटे ही अगर आप 3 बार ये विश आप मांगते हैं तो उसी समय वो पूरी हो जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र। तो दोस्तों, आप बहुत आश्चर्य से भर गए होंगे भी ऐसे कैसे होगा कि हम बेड पर लेटे लेटे अपनी इच्छा बोलेंगे और वो पूरी हो जाएगी। आपके भी दिमाग में प्रश्न आ रहे होंगे, तो दोस्तों इसका समाधान इसी वीडियो में आपका हो जाएगा। जैसे ये सारी सृष्टि जो है वो परमात्मा के संकल्प से बनी है और उसके इशारे मात्र से ये बनी है और नष्ट भी हो जाती है, तो ये सारा कुछ उसी का है। उसका एक इशारा ही आपके सारे काम कर देगा। तो आपने क्या करना है, जब 3 से 5 बजे उठते हैं तो उठकर आपने अपने सांसों पर ध्यान करना है। तो पहले मैं आपको सांसों का ही बता देता हूँ। जब कोई इंसान, पशु पक्षी कोई भी जन्म लेता है तो पहली उसके अंदर जो धारा प्रवाहित होती है, ऊर्जा प्रवाहित होती है, वो परमेश्वर का ही रास्ते से निकलकर वो ऊर्जा मिली होती है, वो है श्वास। और मरते समय भी जब वो वापस चली जाती है उस रास्ते से, तो वो व्यक्ति मर जाता है। मीन्स हमारे शरीर का जो मेन सार है वो है श्वास। अगर श्वास है तो आप जिंदा हो, अगर श्वास नहीं है तो आप ख़त्म हो गए। तो हर श्वास को जब हम लेते हैं तो वो ऊर्जा हम लेकर अंदर भेजते हैं और जब छोड़ते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है, वो ऊर्जा नष्ट हो जाती है। यही श्वास एक रास्ता है जो आपको परमेश्वर के साथ जोड़ता है, मीन्स आपकी सांस। क्योंकि श्वास से ही आप बंधे हो और श्वास ही वो रास्ता है जो आत्मा से परमात्मा को मिलाता है। तो आप बाकी जगह कहीं भी प्रेयर करते हैं वो धीरे काम करती है, लेकिन जब आप श्वासों से वो प्रेयर करते हैं तो वो प्रेयर तुरंत फलीभूत होती है। क्योंकि आप जब जान जाते हो कि परमात्मा का रास्ता श्वास है, तो आप श्वासों में ही वो बात परमेश्वर को, परमात्मा को कह देते हो, तो वो जल्दी पहुँच जाती है। ये उसी तरह हो गया, अगर आप जोर, कोई बंदा 1 किलोमीटर दूर खड़ा है तो आप जोर जोर से चिल्लाकर उसको बता रहे हो, वो सुन नहीं पा रहा है। लेकिन अगर आप उसे ही मोबाइल दे दिया जाए 1 किलोमीटर दूर और आपको दे दिया जाए, तो आप उसकी आवाज़ को सुन पाओगे। मीन्स ये जो श्वास है ये आपको परमात्मा से उसी समय क्लियर कट अटैच कर देता है। तो आपने करना क्या है, आपने 3 से 5 बजे जब ब्रह्म मुहूर्त में आप उठे हो तो बिस्तर पे लेटे लेटे ही आपने अपने ध्यान को श्वासों पर ले आना है, श्वासों में ही, क्योंकि परमात्मा है। आपने लंबी लंबी सांस लेनी है और छोड़नी है, ऐसे आप 3 बार करें। फिर आपने श्वास भरते वक्त आप अपनी इच्छा को और मनोकामना को, जो चाहते हो उसको बोलोगे, प्रार्थना करोगे साथ में ही। यही जो भी आपकी इच्छा है वो आपने एक एक करके 3 बार बोलनी है और देखोगे कि वह इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। श्वासों में ही लेकिन ये आपने बोलना है, सांस भरते समय उस इच्छा को बोलोगे, फिर छोड़ दे सांस को, फिर दोबारा सांस लोगे, ऐसे अपने 3 बार करना है। और वो आपने 3 बार वही मैसेज को बार बार दोहराना है। ध्यान रहे आपके मन में कोई फालतू विचार ना आए, परमात्मा की सारी शक्तियाँ इस समय पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रही होती हैं और मन भी आपका शांत होता है, इस समय विचार रहित होता है। तो आपने सुना होगा 24 घंटे में एक बार सरस्वती माता हमारी जुबान पर आती हैं और उस समय हम जो कह देते हैं वो सच हो जाता है। तभी कभी कभी कहते हैं कि काश ये कह दिया होता तो हो जाता। तो वो वही समय होता है 24 घंटे में, कभी भी आपके
किसी भी पल सरस्वती माता आपके जुबान पर आती हैं और जो आप बोलते हो वो सच हो जाता है। तो वो जब आप सुबह अपनी ये मनोकामना कहोगे तो उसमें आपने लेटे लेटे आवाहन भी करना है कि है सरस्वती माँ, है परमेश्वर, सरस्वती माता को मेरे जीभा पर भेजने का की कृपा करें ताकि मैं अपनी जो भी इच्छा हो आपको व्यक्त करूं और वो पूर्ण हो जाए उसी समय। तो आपने आवाहन करना है माँ सरस्वती का और फिर अपनी विश को बोलना है। जब आप अपनी इच्छा को बोल दोगे भावपूर्वक श्रद्धा से बोलना है अपने, तो आप पाओगे कि वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। एक तो श्वासों में कहना है, दूसरा आपने सरस्वती माता का आवाहन करके ये लेटे लेटे ही आपने प्रोसेस 3 बार करना है। आप पाएंगे आपकी इच्छा उसी समय उसी दिन ही पूरी हो गई। तो दोस्तों, ये जो आपको हम ये टेक्निक्स देते हैं, आपको ये पुरानी पद्धतियां हैं हमारी, उन्हीं को हम आपको बता रहे हैं। जब आप इसे आप करते हो, ये कई जो हमारे ऋषि मुनि पुराने ग्रंथ वेद हैं उनमें ये चीज़ें पहले ही लिखी हुई हैं, और जब आप इनके अपने लाइफ में इन्हें आप करते हो तो आप पाओगे, आप भी उसका लाभ ले पाओगे। दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियोस को हम ख़त्म करते हैं। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।